के अपने इतना खुल के मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएगा, क्योंकि हर एक की यही बात होगी, हाँ भाई 14 दिन की क्लास चल रही है, आ जाओ मैं तो बैठ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई क्या बात है, मतलब मुझे सीखना है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी नाम है आके बैठ जाओ, आधार कार्ड कल दे दें। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और ये चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के उन मैसेजों की बात कर रहा हूँ जो मुझे आते हैं और बहुत परेशान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि भैया आप मुझे किसी भी तरह का इस तरह का मैसेज भेजें जिसमें आप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये हम कभी नहीं सिखाएंगे। किसी इंस्टीट्यूट से आने के बाद भी अगर तुम सिर्फ आईसी रिबोल कर रहे हो और सिर्फ फ़ोन को चालू कर रहे हो तो उसको फ़ोन चालू करना नहीं कहता। खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, सर्किट पर काम करो, हर पावर आईसी का सिक्वेंस निकालो, आईसी के जीआर लो, प्रोटोकॉल्स पे चलो, क्योंकि अभी पावर आईसी के साथ लगे हुए बहुत से रजिस्टर्स जो कि आप पुल डाउन रजिस्टर्स या फिर हम बात करें डिवाइडर सर्किट या भी बहुत से ऐसे कैपेसिटर, रेफरेंस वोल्टेज कैपेसिटर, जिनकी वजह से भी आपका सेट डेड हो सकता है। ऐसा नहीं है, आप वो तरीका ही यूज़ नहीं कर रहे हो जो आप सीख के आए हो। बस मैं ये कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट को कि आप सभी लोग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख के आए होंगे, बट आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी और सफलता आप ही को मिलेगी, क्योंकि मेहनत आप करेंगे। स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, यार बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है गजम से यार, इतने कॉल्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, डेली 500 कॉल आते हैं, हम तो फेडअप हो चुके हैं यार, क्योंकि इतनी बड़ी कोई कॉलिंग टीम बिठा के नहीं रखी, क्योंकि एक साथ ना 50-60 बच्चों को पढ़ाने की आदत नहीं है भाई, और नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप आके भी हमें टीवी देखेंगे तो क्या ही आप पढ़ेंगे, और अगर आपका टीचर आपके सामने बोलेगा कि 100-200 भी कमा लोगे तो फिर क्या आप सो भैया क्या आपका भविष्य क्योंकि आप लोग भी गलती कर रहे हैं ना, आपको भी कम पैसे में सब कुछ चाहिए, आप भी देखिए कि आप भी मतलब ये सोचिए कि कम फीस के अंदर जाकर आप ऐसे जगह बैठ रहे हैं जहां आप टीचर को देखने के लिए भी टीवी देखना पड़ रहा है, सो यार क्या आपका बेसिकली फंडा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ईसर टेलीकॉम में एडमिशन लेने की क्या एलिजिबिलिटी है? तो पहली चीज़ है भैया कर्जे का पैसा नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ है कि धैर्य पेशेंट होना चाहिए, अगर आप सब कुछ एक ही बार में सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें एसर टेलीकॉम ना आए। तीसरी चीज़ कि अगर आप एसर टेलीकॉम से सीखने के बाद भी 24 बार आप एसर टेलीकॉम आने के लिए तैयार हैं, आप बार बार आप एसर टेलीकॉम आने के लिए तैयार हैं, भले ही हम 2 दिन के लिए बुलाएंगे, हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से बुलाएंगे, 2 दिन भी आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि तब तो आपको 0 से सीखना नहीं होगा कि कैपेसिटर से कार है, तब आपके सिर्फ वही फॉल्ट जो आपको नहीं बन रहे हैं, बट आपको 1 दिन की ट्रेन लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाएंगे, जिसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे जीवन भर, तो ही हम आपको सिखाएंगे। अगर आप ये बोलेंगे सर मुझे तो एक ही बार में सिखा दो, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ और मैं दूसरी बार नहीं आ सकता, तो बिल्कुल भी ऐसा टेलीकॉम में एडमिशन लेने की सोचे भी ना, हम देते ही नहीं है सर, ठीक है। और सर हमें तो एंड्रॉयड आईफोन दोनों सीखना है, या तो सर मैं तो सीखना आईफोन चाहता था पर मैं गलती से एंड्रॉयड के लिए आपके पास आ गया, और बाकी मैं तो करना आईफोन चाहता था, तो ऐसे लोग पहले से ही हमारे पास ना आए, जो भैया पहले मन में तो लाओ करना है क्या है, तुम्हें करना है क्या है, तुम्हें आईफोन करना है, तुम्हें एंड्रॉयड करना है, तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद पता होना चाहिए। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप चाहते हैं, कि बैकअप वो नहीं कि सर मैं जब भी मेरा कस्टमर सामने खड़ा है मेरे को कॉल पे अटेंड होना चाहिए, हमारे लिए बैकअप वो नहीं होता है, हम बिल्कुल भी इस तरह का बैकअप नहीं देते हैं, और कि दो घंटे का कॉलिंग सपोर्ट फलाना, ये दो कहने की बात है, आप भी मानो किसी भी एक संस्था को कोई भी इतना टाइम नहीं होता है। हाँ हमारा बैकअप सपोर्ट 24 बार, आप वापस आइए, बार बार आइए, 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए, मैक्सिमम 2 दिन के लिए आप हमारे पास आइए, और 1 महीने में 2 बार, 1 साल में 24 बार आप आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बैकअप है और जो आपको हम इसे कम्युनिकेट बना के रखेगा, साथ में आपको हम 2 माइलस्टोन हमारे साथ हमारी तरफ से जो हम स्टूडेंट को देते हैं, कि हमारे स्टूडेंट का पहला माइलस्टोन ये होता है कि हमें कस्टमर का तो काम करना ही है प्लस दुकानदारों वाला काम करना है, दूसरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हम भी डालेंगे, सो ये जो डाटा होता है इंस्टीट्यूट का वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए दोस्तों, पर ये उन लोगों के लिए होगा जो मुझे टाइम देंगे, जो मुझ पर भरोसा करेंगे और कहेंगे कि सर बस अब हमें कुछ नहीं आता, आप हमें सिखाइए। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट से सीख कर आया है तो हम उसको कभी भी एडमिशन नहीं देते हैं। देखिए हमारा वो काम नहीं है कि बच्चा किसी बड़े इंस्टीट्यूट से सीख कर आ जाए, 30-50 हज़ार वहाँ भी खर्च कर दे फिर आके हमारे पास खर्च करे। मैं हमेशा ऐसे लोगों को ये सलाह देता हूँ, हमेशा मैंने ऐसे बहुत ही लोगों को सलाह दी है और अब तक किसी को भी एडमिशन नहीं दिया, जो मेरे से कहते हैं कि फलाने से यहाँ से सीख कर आया हूँ, दिखाने से सीख के आया हूँ, और मुझे सर अभी इतना इतना है, मैं तो आपके यहाँ से सीखना चाहता हूँ, तो मैं कभी नहीं देता हूँ। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भैया जब ऑलरेडी तुम 30-40 हज़ार रुपये लगा चुके हो, सो वापस 30-40 हज़ार लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर से बेसिक से सीखने का कोई मतलब नहीं बनता है, और ना ही मेरे पास टाइम है कि आपको मैं वो सिखाऊं जो अब आपको चाहिए, क्योंकि हाँ हर एक का एक शेड्यूल और हर एक का एक सिलेबस फिक्स होता है। सो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि
बेसिकली अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से सीखें और अगर आप सही से नहीं सीख पाए तो उनके बाद वापस अप्रोच कीजिए, उनकी बैकअप क्लास में जाइए, दो बार तीन बार चार बार सीखे 102% सीखेंगे। कोई भी बुरा कोई भी ख़राब नहीं है, कि आप लोग भी गलती कर रहे हैं ना, आपको भी कम पैसे में सब कुछ चाहिए। आप भी देखिए कि आप भी मतलब ये सोचिए कि कम फीस के अंदर जाकर आप ऐसे जगह बैठ रहे हैं जहां आप टीचर को देखने के लिए भी टीवी देखना पड़ रहा है। सो यार क्या आपका बेसिकली फंडा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो यार मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि एसर टेली को मैं ज्वाइन करने के लिए कुछ आपके मेन पैरामीटर्स है जिसको आप समझ लिए हैं आई होप कि, और ये देखो इतना खुल के अपने इतना खुल के मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएगा, क्योंकि हर एक की यही बात होगी, हाँ भाई 14 दिन की क्लास चल रही है, आ जाओ मैं तो बैठ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई क्या बात है मतलब मुझे सीखना है, कोई बात नहीं तुम्हारा जो भी नाम है आके बैठ जाओ, आधार कार्ड कल दे देना। भैया ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हम सबसे पहले आधार कार्ड मांगेंगे आपसे, जब तक आधार कार्ड नहीं मिलता है तब तक उससे बात ही नहीं करते। देखो यार ये प्रोटोकॉल्स है, डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल, इसी से लाइफ बनती है और इसी से चलती है। और सही हम एक सही स्टूडेंट को एक सही इंस्टीट्यूट चाहिए ना, वैसे ही एक सही इंस्टीट्यूट को भी एक सही स्टूडेंट की तलाश है, और हम सही स्टूडेंट को जिनको सीखना है उन्हीं के साथ है। सो ये वीडियो काफ़ी क्रूशियल है और आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं और इरिटेट हो जाते हैं हम जब हमें सुनने को मिलता है कि सर मैं तो एंड्रॉयड आईफोन दोनों एक साथ करना चाहता हूं, तो हमें हंसी कम अभी तो हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। क्योंकि आप भी मुझे बताओ कि आप कहीं किसी स्टोर में जाते हो 10 तरह के कपड़े तो 10 एक साथ ले लेते हो क्या? नहीं, चुनाव एक का करते हो, एक बार में एक ही पहनना है ना, 10 को तो एक बार नहीं पहन लोगे। हाँ मुझे आप देखो कोई सेंस ही नहीं बनता। आप सुबह का दोपहर का रात का तीनों टाइम का खाना एक साथ खा सकते हो? नहीं। अभी वो बच्चे जिन्होंने आज तक कभी पेचकस नहीं पकड़ा है, और वो बच्चे जो बिल्कुल उन्हीं के बराबर है जो सिर्फ चार्जिंग रटर बदल रहे, जिनको एक ही बार में सब कुछ बनना है, सो भैया प्लीज़ ऐसा मत करो, आईफोन एंड्रॉयड का कोर्स एक साथ लेने के चक्कर में मत पड़ो। आपको किसी टीचर पर बहुत भरोसा है और आपको लगता है कि वो एक बहुत ही देश का महान टीचर है और भगवान है आपका, तो मुझे लगता है कि आपको उससे बात करनी चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि सर अभी मुझे एंड्रॉयड सिखाओ, 2-3 महीने के बाद मैं आपके आके फिर से आईफोन सीखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर टीचर यहाँ महारत है, हर टीचर इंडिया का आज की डेट में भगवान है। सच में भगवान आप लोगों ने बना दिया है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया मेरे आईफोन एंड्रॉयड दोनों एक साथ मत पढ़ो। अगर इतना आसान है ना तो भैया तुमने अपने बच्चे को है ना स्कूल के साथ में कॉलेज भी करवा देना, PhD भी करवा देना। जब तुम एक साथ इतनी सारी चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारा बच्चा भी कर लेगा ना भाई। हाँ तो आप समझो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं। हम भी हमारे पास अगर कोई आया तो हम भी पहले एंड्रॉयड ही पढ़ाएंगे फिर आईफोन पढ़ाएंगे। मैं अपने आईफोन के कोर्स में भी ये कहता हूँ कि भैया अगर आपको मेरा आईफोन का कोर्स लेना है तो आपको एंड्रॉयड आना चाहिए मस्ट। अगर आप एंड्रॉयड को जान रहे हैं तो ही कोर्स लेना, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि ये कोर्स केवल डिजाइन ही एंड्रॉयड के टीचरों एंड्रॉयड के स्टूडेंटों के लिए बनाया है जो आईफोन के कोर्स को परचेस नहीं कर पा रहे। 50,000 के बच्चों की 6,000 के कोर्स में आपके लिए लेकर आया हूं। बट दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को फोर्सफुली या किसी भी तरीके से ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि आपको मैं एंड्रॉयड और आईफोन दोनों एक साथ पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये गलत ही है। देखो किसी भी बच्चे की जो मेंटेलिटी या पोजीशन होती है, आप किसी की भी अच्छे से अच्छे आदमी की समझने की क्षमता होती है, आप 3 CPU को एक साथ समझाने की कोशिश करेंगे आप कैसे कर पढ़ाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता। सुबह आप एंड्रॉयड का CPU उठाएंगे, शाम को आईफोन का उठाएंगे, तो फिर समझाएंगे क्या? 3 CPU, बेसमेंट CPU, AP CPU, फिर एंड्रॉयड का CPU वाला, तीनों की अलग पावर, और एंड्रॉयड का तो अलग ही खेल है, वहाँ पे तो कोर पावर है, सब पावर है, और यहाँ पर आईफोन के अंदर दोनों ही अलग ही सेगमेंट में चल रहे हैं। आप अभी IC रिवोल्व करेंगे, IC निकालेंगे, पेस्टेड का काम करेंगे, वाई डुअल डेकर, आईफोन A10, A11, A12, A13, A14, A15, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। आप कामयाब होंगे, आप सफल होंगे, आप अपने जीवन में सब कुछ सीखेंगे, पर एक समय आने के बाद आप देखो ये कोई जुआ नहीं है कि आज रात में ट्रेडिंग की है और 9,000 लगा दिया, अगले दिन 90 लाख हो गए। ऐसा अगर होता है तो इंडिया में हर कोई लखपति करोड़पति होता। और अगर मोबाइल रिपेयरिंग इतनी ईजी है, इतनी आसान है, तो हर टीचर यहाँ आईफोन कर रहा होता, पर यहाँ पर टीचर फिर भी आईफोन, बहुत 98% टीचर्स एंड्रॉयड के आईफोन नहीं करते हैं। आप समझो जब टीचर्स ही एंड्रॉयड से आईफोन में नहीं आ पा रहे हैं तो आपको एक एंड्रॉयड आईफोन कैसे सिखा देगा कोई? आप बिलीव करो ये आप अपने साथ एक बिग मिस्टेक है। हाँ मैंने जो आईफोन का कोर्स खोला है वो एंड्रॉयड के उन बच्चों के लिए है जो एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, बट मैं तब भी वो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं सिखाता हूँ। ऑनलाइन पे उनको सर्किट का ट्रेनिंग देता हूँ, उस पे भी मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा कि आप IC निकाल लेंगे। हाँ जो बच्चे निकाल रहे हैं वो बहुत अच्छा रिव्यू भी दे रहे हैं। पर यार दोस्तों मैं सच बताऊँ, प्लीज़ अपनी लाइफ के साथ
मत खेलो। किसी इंस्टीट्यूट से आने के बाद भी अगर तुम सिर्फ आईसी रिबोल कर रहे हो और सिर्फ फ़ोन को चालू कर रहे हो तो उसको फ़ोन चालू करना नहीं कहता। खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, सर्किट पे काम करो, हर पावर आईसी का सिक्वेंस निकालो, आईसी के जीआर लो, प्रोटोकॉल्स पे चलो, क्योंकि अभी पावर आईसी के साथ लगे हुए बहुत से रजिस्टर्स जो कि आप पुल डाउन रजिस्टर्स या फिर हम बात करें डिवाइडर सर्किट या भी बहुत से ऐसे कैपेसिटर रेफरेंस वोल्टेज कैपेसिटर जिनकी वजह से भी आपका सेट डेड हो सकता है, लूप मोड पे आ सकता है और I2C की लाइन ट्रैक बहुत सारी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो केस है वो फंस सकता है और आपको लगेगा भाई मैंने सब कर लिया फिर भी नहीं हुआ, अरे मैं क्या ही सीख के आया हूँ। सो ऐसा नहीं है, आप वो तरीका ही यूज़ नहीं कर रहे हो जो आप सीख के आए हो। बस मैं ये कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट को कि आप सभी लोग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख के आए होंगे, बट आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी और सफलता आप ही को मिलेगी क्योंकि मेहनत आप करेंगे। दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट को अगर फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा होगा ना स्ट्रिक्ट और टाइट और होना भी चाहिए डिसिप्लिन के साथ, उन स्टूडेंट के साथ में ज़्यादातर देखा गया है कि आधे स्टूडेंट आधी लाइन से भाग जाते हैं, नहीं भैया हम तो इतना सब कर नहीं सकते हैं, हमें तो ईजी चीज़ चाहिए। ईजी चीज़ दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। अब हर चीज़ हार्ड ही होगी तभी लाइफ इजी बनाएंगे, आप हार्ड कर लोगे सब इजी लगेगा, बट आप अगर इतना स्ट्रगल नहीं सहन कर सकते कि 12 घंटे काम नहीं कर सकते, आप किसी इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिन सहन नहीं कर सकते, आप बेसिकली इतनी हाई लेवल की स्टडी सहन नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये रिपेयरिंग के कोर्स में मत आइए और इससे अच्छा है कि किसी थर्ड पार्टी कोर्स में चले जाइए। आ जाओ क्या करते हो कुछ नहीं, आ जाओ और मैं तो आपको करवा दूंगा, अरे महीने के बाद 2 लाख कमा, यार मेरा ये काम नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ और इंस्टेड ऑफ दैट मैं तो किसी को एडमिशन देता ही नहीं हूँ। आप मुझे कॉल लगाएंगे, पहला तो आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में पास होके तो ही यहाँ पर एडमिशन होगा, अदरवाइज यहाँ तो हम किसी को सिर्फ आप ये सोचेंगे कि पैसे लेकर आ गए ऐसे टेलीकॉम में बैठ गए और टीचर आपके सामने नाचेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसे टेलीकॉम 2 स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो भी खुश रहेगा और 20 को पढ़ाएगा तो भी खुश रहेगा, समझना, क्योंकि वो जितने को भी पढ़ाएगा उनको सेटिस्फाई करके भेजेगा और उनको वो कमिटमेंट के हिसाब से देगा जो उनको बोल के बुला रहा है। सो ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच और आई होप कि आपको इससे बहुत सारा ज्ञान मिला हो। जय हिंद, जय भारत। Oh, wow, 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 wow.